अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट चिप कुकीज़। उसके लिए मैंने सारा सामान रेडी कर लिया है और ये जी हमारी बेकिंग डिश है। आज जाएँ जी, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम, आज हम बना रहे हैं कुकीज़। इसमें जो है रेसिपी कार्ड है वो डबल लिखा हुआ है, लेकिन मैं हाफ हाफ बनाऊंगी। ये ब्राउन शुगर है और ये वाइट शुगर है, और इसमें हम डालेंगे बटर को हमने एक क्रीमी फॉर्म में बनाना है। चॉकलेट चंक्स हैं, ये आप देख रहे होंगे कि ये थोड़े बड़े हैं, आपकी मर्जी, आप छोटे कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं। कुछ मेल्ट हो जाते हैं इसमें, कुछ नहीं होते। और जो चॉकलेट चिप्स हैं वो हमने जब बेक करना है तब डालने। इसको आपने ओवर मिक्स नहीं करना, फ्लावर अच्छी तरह से साफ कर लेना है। लगे कि आपकी ये जो डो है थोड़ी सी पानी वगैरह वाली है तो आप इसमें थोड़ा सा और फ्लावर ऐड कर सकते हैं। ये वो हमारी रेडी हो गई है, इसको हम फ्रीज करेंगे 30 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। अब हमारी कुकीज़ जो है फ्रीज हो गई है, मैंने 30 मिनट्स इसको फ्रीजर में रखा था। और स्टार्ट में मैं एक बात बताना भूल गई थी कि जो शुगर बहुत शुगर है ना और बटर, उनको हमें क्रीमी फॉर्म में बनाना है, और अच्छी तरह उसको ना क्रीम फॉर्म में करने के बाद फिर एग शामिल करना है। अभी हमारी कुकीज हैं चॉकलेट चिप, ये चॉकलेट चिप देख सकते हैं आप, चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। तो इसको आपने 30 मिनट फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद हमने इसको छोटी छोटी सी बनानी है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं आइस कुक वाला। अगर आपको न्यूट्रेला कुकीज़ बनानी है तो आप इसके ऊपर टॉपिंग कर लें। बॉल्स छोटी छोटी बनानी है, अगर ज़्यादा हेल्दी बनाई बॉल्स तो फिर वो बहुत ज़्यादा मोटी और सॉफ्टी हो जाएंगी। और स्पेस देके अपने बटर बेकर में ओवन को प्री हीट करना है, 190 डिग्री पे प्री हीट करना है, और 7 to 8 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। और जब ये बेक हो जाए इनको फटाफट नहीं निकालना वरना ये टूट जाएंगी। हर ओवन का ना अलग हिसाब होता है, आप लोग चेक करना आपके ओवन में कितनी जल्दी बनती है। 5 मिनट्स में बन जाती हैं, 6 मिनट्स में बन जाती हैं ये बॉल्स।
प्लेट जो डाल सकते हैं इस पर। और आपने ये मैदा करने के लिए स्पीड ज़्यादा यूज़ करने, कभी भी ग्राम्स को एमएस में कन्वर्ट नहीं करना, जितना रेसिपी कार्ड में लिखा है वैसे ही करना आपने। अब ये बॉल्स रेडी हैं, हम उनको बेक करेंगे 5 to 6 मिनट्स। ये मैंने फ्रेश ओवन से निकाली है, अभी इसको ये जब ठंडी हो जाएंगी तब मैं इसको उतारूँगी, निकालूंगी इसमें ट्रे में से। तो मैंने स्टार्ट में बताया था कि आपने किसी भी बेकिंग ब्राउनीज़ बनानी हो या कुकीज़ वगैरह बनानी हो तो हमने अपना सारा सामान जो एग्स वगैरह चॉकलेट इनको रूम टेम्परेचर पे रखना है, सब रूम टेम्परेचर पे रख के हमें उसको यूज़ करना है। अभी आपने इसको कार्टन मतलब निकालना नहीं है ट्रे में से, जब थोड़ी सी कूल डाउन हो जाएगी, अगर आपके पास रैक है तो उस पर रख दीजिएगा, तो कूल डाउन होने के बाद निकालिएगा, ठीक है। मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसे लगी।